चतुर्भुज दिया है डी एन एस आई एस डी एन एस आई डी एन 2.5 सेमी एन एस 3.7 सेमी कोण आई कोण आई एस आर डिग्री ठीक कोण एन दे दिया अपने को 120 डिग्री कोण है एस दे दिया 90 डिग्री कोण एस दे दिया 90 डिग्री ठीक है। अब अपने पास कोण डी ये कोण नहीं है ये कोण अपने पास है ठीक है समझ गए। अब ये 60 डिग्री दिया अब अपने किस प्रकार से बनाएंगे देखो सबसे पहले अपने इसको ले लेते हैं है? लेकिन अपने पास जब दो भुजाएं दी गई है कोण कितने दिए गए हैं 3 लेकिन इस भुजा पे कोण नहीं दिया कौन नहीं दिया अपने क्या करते हैं चौथा कोण ज्ञात कर लेते हैं चौथा कैसे ज्ञात करते हैं देखो चतुर्भुज के चारों कोण सूत्र इसमें देखा ना एक ही बार बताऊंगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है कितना होता है बेटा 360 डिग्री 1 2 3 4 जब चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आता है कितना आता है 360 डिग्री ठीक है। अब देखिए कोण डी यानी तो कोण डी प्लस कोण एन प्लस कोण एस प्लस कोण आई बराबर 360 डिग्री लिख दिया कोण डी तो अपने पास है नहीं तो कोण डी प्लस कोण एन कितना है 120 डिग्री कोण एस कितना है 90 डिग्री कोण आई कितना है 60 डिग्री बराबर कितना कर दूं 360। अब इधर वाले सारों को जोड़ दूं एक बार कितने 12 9 21 21 अच्छा है 27 270 हो गए बराबर कितनी हो गई 360 डिग्री पक्षांतरण है तो कोण डी बराबर 360 डिग्री ये आगे प्लस के आगे जा किसका हो जाएगा कोण डी बराबर 360 में से 270 गए 90 डिग्री कितना आ गया तो कोण डी का मान कितना आ गया बड़ा आ गया ना निकाल लोगे ना। अब आप बनाओ डी एन डी एन लाइन खींचो रेखा खंड खींच लो 2.5 सेमी का डी और डी पर कोण कितने का देखिए 90 डिग्री का तो 90 डिग्री का कोण आप प्रकार से ही बना दीजिए ऐसे ये 60 120 60 पे रख के चाप मारेंगे 120 पे चाप रख के मारेंगे आधा आधा हो गया कितने का हो गया बन गया 90। एन पर कोण कितने का है 120 का कितने का है 120 का तो यहां रखो ऐसे प्रकार 120 हो गया मिला दूं। अब देखो डी एन और ये क्या आएगी एस अब देखो एन एस अपने को दे रखी है कितनी है कितनी है 3.7 का प्रकार खोलो एन पर रखो एस की ओर चाप काट दो ये हो गया एस 3.7 एस को भी कोण दे रखा है अपने को कितने का 90 का कितने का कितने का 90 का दे रखा है ना अपने यहां लिखो ये 60 ये 120 60 पर रखोगे आधा करोगे ये आधा करोगे। अब इस एस को इससे मिला दो जाने दो इसको भी लंबा कर दो फुटे से ये अपने आप मिल जाएगा ये कितने का था 90 का ना 90 ये कितने का था
120 का, और ये अपने आप ही ये 90 90, ये कितने का आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा अभीष्ट चतुर्भुज कौन सा DNSI बन करके तैयार हो गया, बन करके, ठीक है। जैसे जैसे आपने बनाया है, जो जो चीज बनाई है वो लिखते जाओ। पहले हमने DN खींचा, रेखाखंड 2.5 सेमी खींचा, फिर हमने D बिंदु पर 90 डिग्री और कोण प्रकार की सहायता से बनाया, फिर उसको खींच दिया, फिर हमने N बिंदु पर 120 डिग्री और कोण प्रकार की सहायता से बनाया, खींच दिया, फिर D से S की ओर 3.7 सेमी का प्रकार खोल के N पर रख करके S की ओर चाप काटा, जहां चाप कटा वहां बिंदु S अंकित किया और S पर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया और उस कोण को आगे तक बढ़ा दिया, और बढ़ने पर बिंदु I पर आकर के दोनों कोण मिल गए या कट गए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। तो इस प्रकार हमारा अभीष्ट चतुर्भुज DNSI बनकर तैयार हो गया, बनकर, ठीक है।